दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, जहाँ पर हमारा इंटरनेट होता है, ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, इनके जगह पर हम अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई भी एप्लीकेशन हम बोले यहाँ पर कैसे लगाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, सिर्फ नोटिफिकेशन को आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सिर्फ क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। यानी आप जिस एप्लीकेशन को लगाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसे करना है यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर व्हाट्सएप, यूट्यूब लगा हुआ है इस तरीके का। यदि आप भी अपने फ़ोन को नोटिफिकेशन पैनल में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप भी जरूर सीखें। दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ से लाइक करना है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबा के आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, आपको नोटिफिकेशन पैनल में एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन को कहां से इंस्टॉल करना है सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। सबसे पहले आप यह समझिए कि किस तरीके से आपको यहां पे नोटिफिकेशन पैनल में एप्लीकेशन लगाना है। तो फ्रेंड, यही एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और ओपन करना है, और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आई एग्री पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, बस आपको इस सिलेक्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर एक से लेकर छः तक आपको ऐप आएगा, यानी कि आप छः ऐप ही लगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप छः ऐप उसको लगा सकते हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैं आपको एक दो ऐप लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है। यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं वह सारे आपको आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने ऐप को चूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक व्हाट्सअप को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप पर सिलेक्ट कर दिया। जैसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ व्हाट्सअप लग जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा ऐप भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं दूसरा ऐप पर फेसबुक को लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ फेसबुक पर, तो दोस्तों मैंने फेसबुक को लगा दिया। लेकिन जैसे ही लगाएंगे तो आपको एक 5-6 सेकंड का एक ऐड देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ऐड देखने को मिलेगा, उस ऐड को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि फ़ोन को कट कर देना है, ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए। उसके बाद में आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन पैनल पर आना है, इस तरीके से स्क्रॉल करना है। आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार से होगा, मेरे फ़ोन में इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो पूरी नोटिफिकेशन पैनल खुल कर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़िएगा तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सअप और फेसबुक, यानी व्हाट्सअप और फेसबुक को मैंने लगाया है, और यहाँ पर 4 एप्लीकेशन और लगाने का जगह है तो अभी मैंने नहीं लगाया है। अब इस तरीके से व्हाट्सअप को पकड़ना है और आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। जी हाँ फ्रेंड, ऊपर की ओर जहाँ भी आपको रखना है रख दीजिएगा। उसके बाद में अब आपको अपने फेसबुक को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से लेके जाना है, और वहाँ ले जाना है जहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों को एक जगह सोच रहा हूँ कि रख दूँ, तो मैंने अपने फेसबुक और व्हाट्सअप को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, आपके फ़ोन में नीचे ओके का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, बस एक बार साइन बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए क्या होगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं कि जब मैं अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करूँगा तो यहाँ पर फेसबुक और व्हाट्सअप दिखेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर व्हाट्सअप पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो व्हाट्सअप ओपन होगा, और फेसबुक पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो फ्रेंड यहां पर फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहां पर 6 एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड, रह गई बात इस एप्लीकेशन का, आखिर इस एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो फ्रेंड, यही एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है ऐप टाइल्स लॉन्च एप्स फास्टर। जी हाँ फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड भी आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है 4.1 है, 100 के यानी डाउनलोडर है, 1 लाख से प्लस डाउनलोडर भी हैं। तो यदि आप इस ट्रिक को यूज करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत ही आसानी से इस नोटिफिकेशन बारे में किसी भी ऐप को लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।